सो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको आपकी Gmail पर OTP रिसीव नहीं हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर यहाँ पर जो है Gmail है इस पर मुझे जो है OTP रिसीव नहीं हो रहा है, अगर आपको भी OTP रिसीव नहीं हो रहा है तो कैसे हम जो है इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आपको जो है कई बार मेल भी रिसीव नहीं होती होंगी और या फिर जो आप OTP मंगवाते हैं आपकी मेल ID पर वो भी नहीं रिसीव होता है, तो आपको करना क्या होगा आज की वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ गाइस। सबसे पहले हम यहाँ से बैक चलते हैं, बैक जाने के बाद आपको सबसे पहले चेक करना है आपका इंटरनेट कनेक्शन गाइस। सबसे पहले आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए, अगर आपका जो है इंटरनेट आपने जो है मोबाइल डाटा ऑन रखा हुआ है, आपको करना क्या है एयरप्लेन मोड जो है इसको दबा के रखना है, आपको जो है इसको एक बार एयरप्लेन मोड पर डाल देना है, यहाँ से आपके जो नेटवर्क्स हैं वो चले जाएंगे गाइस और फिर से इसको जो है हटा देना है फ्लाइट मोड को। अब जो आपका नेटवर्क होगा वो रिफ्रेश हो जाएगा और आपका जो है अगर नेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो अगर आपको नेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक हो जाएगी और आपका जो है मेल आपको रिसीव हो जाएगा, OTP आपको रिसीव हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है गाइज तो आपको एक और काम करना है, सेटिंग में आ जाना है, सेटिंग में आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर ऐप्स पर आना है और मैनेज ऐप्स पर आ जाना है और यहाँ से सर्च कर लेना है अपना जीमेल। आपके मोबाइल में थोड़े से हटके जो है यहाँ पर फंक्शंस हो सकते हैं, यहाँ पर सेटिंग हो सकती है, तो आप जो है अपने मोबाइल में चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर जीमेल आ चुकी है। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है, यहाँ पर सारी सेटिंग्स निकल कर आई हैं। अब आपको करना क्या है गाइज, सबसे पहले ऐप परमिशंस पर आना है, ऐप परमिशंस पर आने के बाद आपको देखना है यहाँ पर जो स्टोरेज की जो ये परमिशन है इसको अलाउ कर देना है। वैसे तो इन सभी परमिशंस को आप अलाउ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको जो इनको सभी को अलाउ करना है टेलीफोन को भी। तो अलाउ करने के बाद जो है यहाँ से गाइस बैक आना है और आप देखना है आपको रिसीव होता है या OTP नहीं होता है, अगर फिर भी नहीं होता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज, इस पर क्लिक करना है, मोबाइल डाटा इसको एक बार ऑफ करके फिर से ब्लू टिक करके ओके कर देना है। आप करके देखना आपको जो है OTP रिसीव हो जाएगा गाइज, अगर फिर भी नहीं होता तो फाइनली एक काम कर लीजिए, आपका जो है यहाँ पर क्लियर डाटा का ऑप्शन है, क्लियर ऑल डाटा करना है आपको और ओके कर देना है गाइज। यहाँ से अपना जो है क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके ओके कर दीजिए और यहाँ से क्लियर कैच हो जाएगा आपका, ठीक है, यहाँ से भी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका जो है यहाँ पर जितनी भी अगर बग आया होगा तो आपकी जो है जीमेल एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आई होगी तो यहाँ से सब सेट हो जाएगा, न्यू जैसी एप्लीकेशन हो जाएगी और आपकी सेटिंग भी ठीक हो जाएगी। तो आपको ये काम कर लेना है गाइस, अगर फिर भी नहीं रिसीव होता है ना तो फिर आपको एक और काम करना होगा, यहाँ से जीमेल पर आते हैं, जीमेल पर आने के बाद आपको देखते हैं यहाँ पर जो है 3 lines है यहाँ पर क्लिक करना है और कई बार OTP क्या होता है गाइस यहाँ पर आपके जो है स्पैम फोल्डर में आ जाते हैं, आपको यहाँ से नीचे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा स्पैम फोल्डर, स्पैम फोल्डर पर आना है और यहाँ पर कई बार आपको OTP रिसीव होते हैं, अगर यहाँ पर नहीं होंगे तो उसके बाद यहाँ पर ऊपर जाइए और प्रमोशंस का जो ये फोल्डर है इस पर आ जाइए, इसमें भी आपको जो है देख लेना है आपका OTP रिसीव होगा और यहाँ पर भी आ जाता है कई बार सोशल में, ठीक है, सोशल वाला फोल्डर है इसमें भी देख लेना आपको, अगर इनमें से कोई भी यहाँ पर रिसीव नहीं हो रहा है तो फाइनली आपको जो है लास्ट काम करना होगा, अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करना होगा गाइस, यहाँ पर पावर बटन दबा के रखना है और यहाँ पर रिस्टार्ट का ऑप्शन है, मेरे में तो रिबूट है तो मैं यहाँ से रिबूट कर दूंगा तो आपका जो है रिसीव हो जाएगा गाइस। यही सेटिंग्स आपको करनी होगी अगर आपको जो है OTP या जो है ईमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है। तो बस आज के वीडियो में यही बताना था, होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।